Very good morning, students. So, in this class, we will start with your history book and we will start with your first chapter, right? And the name of your first chapter is What, Where, How and When, right? So, हम अपनी history book को शुरू करते हैं और chapter 1 को पढ़ते हैं, ठीक है? What, Where, How and When. Open your history book, chapter 1. पेज नंबर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर राइट स्टार्ट करते हैं रशीदा के क्वेश्चन से रशीदास क्वेश्चन रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर रशीदा जो एक स्टूडेंट है वो क्या कर रही है न्यूज़पेपर को पढ़ रही है सडनली हर आईज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन सडनली उसकी जो नज़र है वो एक छोटी हेडलाइन पे पड़ती है हेडलाइन क्या थी 100 ईयर्स अगो उस हेडलाइन में लिखा हुआ था 100 यानी कि 100 साल पहले हाउ शी वंडर वो सोचती है कैसे कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो अब रशीदा सोचती है कि ये कैसे पॉसिबल है कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा ये किसी को कैसे पता हो सकता है ना वही हम इस चैप्टर में समझेंगे ठीक है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो वॉच टेलीविजन रेड अ न्यूज़पेपर यस्टरडे यानी कि बीते हुए कल में आपने क्या क्या कोई रेडियो सुना हो सकता है टीवी देखा होगा या फिर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा लास्ट ईयर आज समबडी टू रिमेंबर लास्ट ईयर किसी ने क्या किया होगा उससे पूछे किसी को जिसको ये चीज़ याद होगी बट व्हाट अबाउट लॉन्ग एगो लेकिन बहुत बहुत टाइम पहले क्या हुआ होगा ये हमें कैसे पता चल सकता है आप कह सकते हैं कि कल मैंने क्या किया वो मुझे याद हो सकता है हो सकता है पिछले साल हमने क्या किया वो भी हमें याद हो किसी पर्टिकुलर डे में याद हो ये मुश्किल है लेकिन हो सकता है पिछले साल आपने आज ही के दिन क्या किया होगा कोई इंपॉर्टेंट डे होगा तो हो सकता है आपको याद हो लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ होगा ये अगर हमें जानना है तो वो हमें कैसे पता चलेगा ठीक है लेट्स सी हाउ इट कैन बी डन हम देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि कैसे हम जान सकते हैं बहुत साल पहले क्या हुआ होगा ठीक है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट व्हाट पीपल एट द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वोर द हाउसेस इन विच दे लिव देखो पहले के टाइम में हम जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है जैसे कि पहले के लोग क्या खाते थे किस तरह के वो कपड़े पहनते थे हैं किस तरह के घरों में वो रहा करते थे तो इन सब बातों के बारे में हम जान सकते हैं वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर्स हर्डर्स फार्मर्स रूलर्स मर्चेंट्स प्रीस्ट क्राफ्ट पर्सन आर्टिस्ट म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट ठीक है हम इन सारे पर्सन के बारे में भी जान सकते हैं कोई शिकारी है कोई साइंटिस्ट है पुराने जमाने का हर्डर है चरवाहा है कोई फार्मर है कोई राजा है महाराजा है इन सब की लाइफ के बारे में हम जो है इन सब के बारे में हम जान सकते हैं वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड द स्टोरीज दे हर्ड द प्लेस दे सॉ द सॉन्ग्स दे सेंग हम और किन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं कि उस टाइम में बच्चे कौन सी गेम्स खेलते थे कौन सी स्टोरीज वो सुनते थे ठीक है कौन कौन से प्लेज उन्होंने देखे ठीक और कौन कौन से गाने वो गाते थे वेयर डिड पीपल लिव लोग कहाँ रहते थे पहले हम ये देखते हैं फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप ऑन पेज टू अपने पेज टू पे आप सबसे पहले नर्मदा रिवर को देखेंगे नर्मदा रिवर यहाँ पे आपको कहाँ पे नज़र आ रही है ये है आपका मैप इंडिया का मैप ठीक है आपको बोल रहे हैं कि आपको ढूंढना है कि यहाँ पे नर्मदा रिवर कहाँ है ये दिखाई दे रहा है आपको ये
नर्मदा रिवर लिखा हुआ, नर्मदा आर, आर मीन्स रिवर, तो ये जो रिवर है ये क्या है आपकी, नर्मदा रिवर है। फाइन, तो मिल गई आपको नर्मदा रिवर। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल हंड्रेड थाउजेंड ईयर्स, बहुत हजारों सालों साल तक जो है लोग इस नदी के, किस नदी के, नर्मदा नदी के किनारों पर रहे। ठीक है, सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स। स्किल्ड गैदरर का मतलब बहुत अच्छे से उनको गैदरिंग करनी आती थी। किस चीज़ की गैदरिंग करते थे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, है ना, तो वो क्या थे, एक स्किल्ड गैदरर्स थे। बहुत टाइम तक यहाँ पे जो लोग रहते थे वो क्या थे, स्किल्ड गैदरर्स थे। चीज़ों को जो इकट्ठा करता है उसको हम बोलते हैं गैदरर्स। पहले के टाइम में जब लोगों को कुक करना नहीं आता था तो वो खाने पीने की चीज़ों को क्या करते थे, गैदर करते थे। राइट, दैट इज पीपल हु गैदर देयर फूड। गैदरर कौन होते हैं, जो अपने खाने को जो है गैदर करते हैं, ना कि पकाते हैं, ना ही उगाते हैं उनको, है ना, ना तो वो फार्मिंग जानते थे उस टाइम पे, ना ही उनको कुकिंग आती थी। तो वो सिर्फ क्या है, जो उनको खाने की चीज़ मिल जाती थी उनको इकट्ठा कर लेते थे। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं गैदरर्स। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट। उनको किस बात की जानकारी होती थी, किस बात का पता होता था, कि आसपास के जो सराउंडिंग फॉरेस्ट हैं, यानी कि आसपास के जो जंगल है वहाँ पे जो पेड़ पौधे, किस किस तरह के पेड़ पौधे वहाँ पे हैं। एंड कलेक्टेड रूट्स फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। रूट्स को इकट्ठा करते थे वो, जो उनको लगता था कि खाने लायक हैं। फ्रूट्स और जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस और होता था जो उनको, जो वो उस समय खाया करते थे, उन सबको वो वहाँ से गैदर करते थे। दे ऑल्सो हंड्रेड एनिमल्स, वो जो है जानवरों पर शिकार भी किया करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड पिथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब आप सुलेमान और पिथार हिल्स को ढूंढेंगे इस मैप में, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में इसी मैप में देखेंगे, इसी मैप को दोबारा देखेंगे। यहाँ पे क्या क्या ढूंढने को बोला है आपको, आपको ढूंढना है सुलेमान एंड किरथार हिल्स। ये रही आपकी किरथार और ये रहा आपका सुलेमान हिल्स। ठीक है, ये है किरथार और ये रही आपकी सुलेमान हिल्स। ठीक, सम ऑफ द एरियाज वेयर वीमेन एंड मैन फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज वीट एंड बारे अबाउट 8000 ईयर्स अगो आर लोकेटेड हियर। 8000 साल पहले जो मैन एंड वुमेन थे उन्होंने क्या उगाना शुरू किया था, वीट एंड बारे, गेहूँ और जौ। ठीक है, वो जगह कहाँ पे मिलती है, किरथार और सुलेमान की पहाड़ियों पर। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने उगाना शुरू किया था 8000 साल पहले। People also began rearing animals like sheep, goat, cattle and lived in villages. उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने जो है जानवर को पालना शुरू कर दिया। ठीक है, sheep, goat, cattle, है ना, और गाँव में रहना शुरू कर दिया। Locate the Garo hills to the northeast and the Vindhyas in the central India. अब हम इसमें देखते हैं कि गारो हिल्स कहाँ पर है। See. See the map. This one here. These are your Garo hills. ये क्या है आपकी north east में क्या है, Garo hills हैं ये, Garo hills। और क्या ढूंढना है आपको Garo hills के अलावा, आपको ढूंढना है Vindhyas in the central hill। Vindhyas कहाँ है, this one, this is your ये Vindhyas, right, this is your Vindhyas। यहाँ पे Garo hills north east में, Vindhyas आपका है central hill, north east and Vindhyas in the central India। ठीक है, central India में आपको Vindhyas मिलेगा, Garo hills मिलेगी आपको north east में। ठीक है, These were some of the other areas where
The places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. Vindhyas के north में आप ये जो विंध्यास है यहाँ पे देखा आपने, ये विंध्यास है तो इसके north में यानी कि इन इस साइड में जो है राइस सबसे पहले उगाया गया आपकी, यानी कि चावल जो है उगाए गए, ठीक है। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब आप इस जो मैप में जो है इंडस रिवर को ढूंढेंगे कि इंडस रिवर कहाँ है। देखो इंडस रिवर जो है ये रही आपकी, इंडस रिवर को भी हम देख लेते हैं, ये रही आपकी इंडस रिवर जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा जो है पाकिस्तान में बहती है, ठीक है। ये यहाँ से, ठीक है, ये पूरी क्या है आपकी इंडस रिवर है, ठीक है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज, ठीक है। ये सारी क्या हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, क्या हैं ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, फाइन। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट, सो दीज आर योर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर, फाइन। जाके कहाँ पे मिल रही हैं, ये सारी जो हैं आपकी इंडस रिवर में मिल रही हैं। यहाँ देखें झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सारी कहाँ मिल रही हैं, ये इंडस रिवर में मिल रही हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, यानी कि ट्रिब्यूट का मतलब होता है योगदान देना, यानी कि ये क्या कर रही हैं, एक नदी में जाके अपना योगदान दे रही हैं। एक बड़ी नदी में जाके जो मिल जाती हैं उन छोटी छोटी नदियों को हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। About 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. 47 years पहले क्या था, जो earliest cities थी यानी जो शुरुआत में जो सिटी शहर जो flourished हुए जो बसे यहाँ पे वो क्या है, वो इन्हीं नदियों के किनारे पे बसे, ठीक है। Later about 2500 years ago, उसके बाद जो है 2500 years ago, cities dwelt on the banks of the Ganga and its tributaries. उसके बाद शहर कहाँ पे बसे, गंगा में और उसके tributaries में। tributaries क्या होती हैं, सहायक नदियाँ, यानी कि छोटी छोटी ऐसी नदियाँ तो एक बड़ी नदी से जाके मिलती हैं। And along the sea coast, समुद्र के किनारे भी कहाँ बसी, सबसे पहले इंडस नदी के किनारे बसी, बसे शहर, उसके बाद गंगा नदी के किनारे और फिर सी कोस्ट के पास समुद्र के किनारे। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन। अब आपको यहाँ पे गंगा और उसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है सन, सोन रिवर भी हम बोलते हैं उसको, उसको आपको लोकेट करना है। ये है आपकी गंगा रिवर, ये रिवर, ठीक है। ये पूरी क्या है, ये आपकी जो है गंगा रिवर है, और ये क्या है, ये है आपकी सोन रिवर, ठीक है। ये सोन रिवर क्या है, आपकी गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगधा, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। अभी गंगा नदी को देखेंगे फिर से हम, और गंगा नदी का साउथ देखेंगे। गंगा नदी ये है, ये आपकी गंगा नदी है, तो गंगा नदी के साउथ में क्या है, उस टाइम में क्या होता था, क्या बताया आपको, मगधा, ठीक है, जिसको अभी हम बिहार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पे था, गंगा नदी के वेस्ट में, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है, सॉरी ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। तो गंगा नदी के जो है वेस्ट में, सॉरी साउथ में जो है मगध
राज्य था जिसको हम जो है अभी किस नाम से जानते हैं, बिहार के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस रूलर वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। जो उसका रूलर्स होते थे वो बहुत ही पावरफुल होते थे, पावरफुल थे और उन्होंने अपनी लार्ज किंगडम, बहुत बड़ा राज्य वहाँ पे बसाया। किंगडम्स पर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री एज वेल। उसी तरीके से कंट्री के दूसरे पार्ट्स में भी जो है किंगडम्स सेट अप हुए। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। इस सारे समय में क्या है, लोग जो है एक जगह से, सब कॉन्टिनेंट क्या है हमारा इंडिया, इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह पे जो है आते जाते रहते थे। सब कॉन्टिनेंट क्या है अपना इंडिया, जो अभी जो इंडिया उसके आसपास का पूरा रीजन है, तो वहाँ पे जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे। ठीक है, द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयस, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स। अब जो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे तो जो हिल्स होती थी और बड़े बड़े पहाड़ होते थे जिसमें हिमालय भी था, फिर डेजर्ट भी था यानी कि रेगिस्तान भी था, नदियाँ भी थी और सीज यानी समुद्र भी था, ये सब क्या है जर्नी को यानी कि यात्रा को बहुत ही डेंजरस बना देते थे, क्योंकि इन सभी चीज़ों को पार करके भी लोगों को ट्रैवल करना पड़ता था। कहीं नदियाँ आ जाती थी, कहीं समुद्र आ जाता था, कहीं जो है पहाड़ होते थे ऊँचे ऊँचे, है ना, तो इन सब को पार करके लोग ट्रैवल करते थे, इन सबसे निकल के। बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन कभी भी वो इम्पॉसिबल नहीं रहा क्योंकि लोग हमेशा से ही यहाँ पे ट्रैवल करते रहते थे। सो मैन एंड वीमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, जो लोग जो है जीवन यापन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते थे। एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स एंड और ड्रॉट्स। और कभी कभी क्या होता था, वो जो नेचुरल डिजास्टर यानी कोई प्राकृतिक विपदा अगर आ जाती थी, कोई ऐसी चीज़ जो नेचुरल कोई डिस्ट्रक्शन होता था जैसे कि कहीं बाढ़ आ गई या फिर कभी सूखा पड़ गया, तो वो क्या करते थे, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते थे। ठीक है, समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर्स लैंड। कभी कभी क्या होता था, लोग जो है क्या करते थे, आर्मी बना के मार्च करते थे यानी कि जो है दूसरी जगहों पे कब्जा करने के लिए आर्मी की तरफ पहुंच जाते थे और दूसरी जगह दूसरों की जगहों पे कब्जा कर लेते थे। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कारवास और शेप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उसके अलावा जो मर्चेंट्स होते थे, व्यापारी होते थे, वो अपना सामान लेके भी एक जगह से दूसरी जगह पे जो है घूमते रहते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। अब जो बड़े बड़े जो टीचर्स होते थे, धर्म गुरु होते थे, धर्मात्मा लोग होते थे, है ना, वो क्या करते थे, अपने टीचिंग्स को फैलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते रहते थे और रास्ते में कभी किसी शहर में रुक कर या कभी किसी गाँव में रुक कर लोगों को जो है क्या देते थे, लेसन्स देते थे यानी कि उनको ज्ञान देते थे, उपदेश देते थे। ठीक है, तो ये सारे लोग कौन थे जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे। ठीक है, फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल्ड ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। क्या था, कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो सिर्फ एडवेंचर के लिए एक जगह से, यानी कि वो जो है एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, सिर्फ ट्रैवल करने के लिए यानी कि एडवेंचर की स्पिरिट से जाते थे, उनको नई नई जगह देखने का शौक था, तो वो लोग भी क्या था एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। ठीक है, सिर्फ विद द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। ठीक है, ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। अब जब इतनी तरह के लोग, अलग अलग लोग जब ट्रैवल करेंगे तो क्या है, उनके एक्सपीरियंस भी अलग होंगे, उनके आइडियाज भी अलग अलग होंगे, तो वो अपने आइडियाज एक दूसरे से शेयर करते थे। ठीक है, जैसे कोई मर्चेंट भी एक जगह पर रुका हुआ है, वहाँ पे कोई धर्म गुरु भी, कोई टीचर भी आया हुआ है, तो वो उस टीचर से मिलकर उसके आइडियाज़ को जान सकता था, है ना, कोई ट्रैवलर है, ठीक है, तो उस ट्रैवलर के आइडियाज़ पता लगते थे, तो इस तरह अलग अलग लोग जो हैं मिलते रहते थे और अपने आइडियाज़ को एक दूसरे से शेयर करते थे। Why do people travel now or days? अब लोग ट्रैवल क्यों करते हैं आजकल के दिनों में? Look at map once more. एक बार फिर से मैप वन
आपको दे देंगे. हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. ये देखो यहाँ आपका जो है ये क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या है देखो, हमारा हिमालय पर्वत है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, नीचे क्या है यहाँ पे समुद्र है. तो ये सब क्या है, नेचुरल फ्रंटियर, एक तरह के से हमारा जो है बॉर्डर बना देते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है. पहाड़, जैसे लोगों को अगर दूसरे देश से हमारे देश में आना है तो पहाड़ों को पार करके, नदियों को पार करके, समुद्र को पार करके आना पड़ता था. तो ये सब चीज़ें क्या बन जाती थी, हमारे नेचुरल फ्रंटियर बन जाती थी, ठीक है, हमारा एक तरीके का बॉर्डर बन जाता था, ठीक है. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted food and did scale the mountains and cross the seas. वैसे तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत बड़ा हर्डल बनाती थी, यानी कि बहुत बाधा उत्पन्न करती थी जो लोग ट्रैवल करते थे, लेकिन जिन लोगों को पहुँचना होता था वो समुद्र को भी पार कर लेते थे और माउंटेन्स को भी चढ़ जाते थे. पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड. तो जो लोग इन फ्रंटियर्स को पार करके आते हुए वो लोग कभी जो है यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में आके बस भी जाते थे, यानी कि यहीं